रहीम वालेकुम डियर व्यूवर्स आज का जो पेपर है ये जूनियर क्लर्क का पेपर है ये आज डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन के लिए ईटा के थ्रू ये कंडक्ट हुआ है तो स्टार्ट करते हैं पेपर को तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं काइंडनेस एंड कम्पेशन अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड तो कम्पेशन का मतलब क्या है मेहरबानी रहम करना सबर करना तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है इंडिफरेंस सेकंड जो है कंप्रेशन लोयलिटी एंड एनिमिटी तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए को देखे इंडिफरेंस इसका जो लफ्जी सही माना है इनडिफरेंस करेक्ट ऑप्शन है सेकंड नंबर जो है आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू वर्ल्ड स्वेल स्वेल को हम पोख तो में यहाँ पर पूछा अगर मैं आपको माना इसका करूँ तो स्वेल का मतलब है पड़ तो यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज ब्रेक एंड तो इंक्रीज का मतलब किसी चीज का हुम बढ़ जाना तो इंक्रीज ये जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन इस तरह क्वेश्चन नंबर थ्री द स्वीटर इज नॉट फॉर दिस दैट वीन टू वीयर चूज द करेक्ट प्लूरल सेंटेंस यहाँ पर देश का अगर आप प्लूरल बनाएं तो तीस बन जाएगा स्वीटरस का अगर स्वीटर का जो प्लूरल है वो स्वीटर है एज का आर है फॉर दोज में कन्वर्ट हो जाएगा वेमेन वमिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह फर्क देखे करेक्ट ऑप्शन देश स्वीटर तो ये तो नहीं है दिज स्वीटर आर नॉट फॉर दिस वेमिन वन वमिन में कन्वर्ट नहीं हुआ है एंड द नेक्स्ट वन दिस स्वीटर आर नॉट फॉर दोज वमिन टू वियर तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर जो है लोकस्ट अटैक द द्राफ्ट लोकस्ट जो जिसको पुख्तों में हम अमलख Uh, जो है कहते हैं अटैक द क्राप शोल क्रोप हार्ड इन स्वरम अस्वरम ऑफ लोकस्ट ये जो टिड्डा का जो ग्रुप होता है उनको स्वरम कहते हैं तो अस्वरम ऑफ लोकस्ट अटैक द क्राप ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन पाइप नंबर आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द फॉलोइंग तो कंक्रीट नाउन जिसका किसी ना किसी शक्ल हो बुक जो है ये इसका शक्ल है नॉलेज का नहीं है लव का नहीं है पीस का नहीं है तो बुक जो है यहाँ पर कंक्रीट नाउन है नाउन इन चेंज मीनिंग ऐसा लफज तलाश करना है यहाँ पर कि जिसका फ्लोर फॉर्म भी ओ हो, हो तो कंटेंटन रिलेशन एंड टी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है टीज तो हम नहीं कहते टी जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन

तो द नेक्स्ट वन शी नॉट इनवाइट द गेस्ट शी नॉट इनवाइट द गेस्ट तो आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है इलेवन नंबर में ऑप्शन सी एंड द नेक्स्ट वन नंबर हैज हैज ओनली एम्बिशन वाज इट फाइंड द है यहाँ पर टू सक्सेस टू सक्सीड टू सक्सीडिंग टू सक्सीड तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ऑप्शन डी तेरह नंबर ही हैड नॉट मीट फॉर थ्री इयर्स चूज द करेक्ट वन बीन ईटिंग बीन एटन एंड बीन ईटिंग एंड बीन ईटन तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है बीन ईटन ही हैड नॉट बीन ईटन मीट फॉर थ्री ईयर चूज इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ चलते हैं

चेंज इन टॉर्म ऑफ द फास्ट इन डिफिनट तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी को देखिए डिड ही प्ले क्रिकेट इन दिनिंग यहाँ पर जो ही प्लेज क्रिकेट इन दिनिंग डिड यहाँ पर लग जाएगा evening. प्ले uh, option C is the ऑप्शन सी Which sentence करेक्ट वन correct order of adjective? We took a ride on a Chinese इन old blue bus.

तो ये जुमला जो है ये करेक्ट जुमला है ये जो दूसरे जुमले है इसमें तरतीब नहीं है सत्रह नंबर द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एज रिकॉर्डेड इन अ बुक नेम द अंडरलाइन नाउन तो यह पर हिस्ट्री जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सिटी जो है ये कॉमन नाउन है और बुक भी कॉमन नाउन है तो ऑप्शन डी को देखें ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट पिर कॉमन पिर कॉमन अठारह नंबर पीपल कंट्रीब्यूट मोर एप दे मोर टाइम पीपल वुड कंट्रीब्यूट एफ देव मोर टाइम नन ऑफ देव तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है पीपल वुड कंट्रीब्यूट मोर एफ देड मोर टाइम एंड नाइनटीन नंबर द फ्लूरल फार्म ऑफ दर्ल्ड गायज गाइज लड़कों के कहते हैं ऑप्शन बी एंड नेक्स्ट वन बीस नंबर आइडेंटिफाई द डिफिनेट आर्टिकल इन द फॉलोइंग ए और एन जो है ये इनडिफिनट है और डिफेंड जो है यहाँ पर सी इज द करेक्ट वन ट्वेंटी तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है नथिंग द मस्कुलिन ऑफ द बी शाह के जो मक्के हैं उनको बी कहते हैं तो उनका जो नर होता है उनको ड्रोन कहते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्वेंटी थ्री साइनो टू री जॉइस रिजॉइस एज डिस्प्लेस प्लीज अनफ्लिट अपड एंड रिजेक्ट ट्वेंटी थ्री नंबर में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है प्लीज चौबीस नंबर द फैन इन स्पाइट ऑफ द फैन ऑफ स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी को देखे स्पाइट ऑफ द फैन एंड ट्वेंटी फाइव नंबर फ्यूचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन स्पार्ट नाउन प्रॉपर नाउन एबस्ट्रिक नाउन फ्यूचर जो है मुस्तिली बी एक्सप्रेट नाउन है जिस तरह पिछले सवाल में गुजर चुके हैं ट्वेंटी माई ब्रदर वॉज फरलीप्पी विद the आइडेंटिफाई uh, phrase, फ्रेस phrase. प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन फ्रेज नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज तो ट्वेंटी सिक्स नंबर में करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है ऑप्शन ए एडजेक्टिव फ्रेज है वेन डिड शी फुट द नाइफ विच आवर ऑन द शेल्फ पॉइंट करेक्ट फ्लूरल ऑफ द नाउन नाइफ शेल्फ तो ये गलत है. नाइज ये ठीक है एंड शेलोस तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन अट्ठाईस नंबर वी मेड हानिया ये स्टॉप है मेड असलाफ चूज है फॉर अ फॉर नाउन वी मेड हानी यस्टरडे वी मेड असलफ ही मेड असलफ एंड शी मेड असलफ आई तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है अब नंबर शी तो ये फीमेल है इसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे ट्वेंटी नाइन एवरी वन कुड सी हाउ अनहैप्पी ही शी वॉज आइडेंटिफाई द इंडिफिनेट प्रोनाउन शी हाउ सी एवरी तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है एवरी जो है इंडिफिनेट जो मालूम नहीं है उनका तदाद मालूम ना हो तो उनको इंडिपेट पुराना उनके करेक्ट वन तीस नंबर दियर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक इन यहाँ पर अंदर है किसी चीज़ का अंदर के लिए हम प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करते हैं एंड थर्टी वन नंबर फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अपने इस, तो इस तरह नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर सेकंड में अपलोड करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत बोलेगा वस्सलाम.